अपने 15 साल का हिसाब दे दो मुसलमानों का, दे दो हिसाब। जब मुसलमानों को डराकर आज भी डराया जाता है, जिस वक्त के मैं भूत बंगला से निकला था, जमाना था जब मुसलमानों को डराकर आज भी डराया जाता है, आज भी डराया जाता है। जिस वक्त के मैं भूत बंगला से निकला था, बनाया हम ही था, दूसरी ईंट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम ही थे, संजय बाबू थे, उस वक्त अशोक जी भी थे। लेकिन आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या क्या लोग बोलते हैं, क्या बलियावी जैसे लोगों के मुंह में जबान नहीं है? लेकिन हमारे नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को मर्यादा लांघने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए हम सीमा में रहकर सहज बात करते हैं। वरना हमें भी मालूम है काली घटाओ तेरे कलेजे में बरसने का कितना दम है। डराया भी मुसलमानों को, दंगा होगा, फसाद होगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, चाहे हमारे नेता की का शासनकाल जिस किसी भी दल और पार्टी गठबंधन के साथ हो, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय को किसी ने आंख दिखाने की हिम्मत की हो, ये नहीं। वोट देने के वोट का बैंक समझने वालों, आज तुझको बलियावी चुनौती देता, आओ गांधी मैदान में लगा लो मंच, तुम अपने 15 साल का हिसाब दे दो मुसलमानों का, दे दो हिसाब। और हमारे नेता नीतीश कुमार का हिसाब बलियावी से ले लो, मैं तो 24 घंटा तैयार हूं, कहां बुला रहे हो आऊंगा।